लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए एस के अंदर बहुत शॉर्ट है, ए अब ओ लेवल्स के सिलेबस के लिए टॉपिक थोड़ा अच्छा हो गया है, ए एस के अंदर बहुत कम है, और ए टू में आके ये वापस से डेप्थ में चले जाता है। तो आज एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में ही जाके पढ़ते हैं। बुक में देखो तो इतना डिटेल में नहीं है, बट क्योंकि ये नया टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है, तो इसको लेके चलते हैं। अच्छा, बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा है आपके ऊपर डिजिटल एल्गोरिथम या ए स्टार एल्गोरिथम से। हम एक काम करते हैं, पहले पढ़ते हैं मशीन लर्निंग। बेटा बता सकते हो व्हाट इज मेंट बाय मशीन लर्निंग? नहीं सर, नहीं पता। कुछ अंदाजा, तुक्का, एनीथिंग? कुछ तो होगा, तो मतलब मशीन लर्निंग होती क्या है? नाम से क्या लग रहा है, मशीन क्या कर रही है? लर्न कर रही है, कुछ सीख रही है। सीख रही है किससे? डेटा से। क्यों? अपनी गलतियों से सीख के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, ये मशीन लर्निंग होती है। इसके पास मशीन लर्निंग करती है, डेटा कलेक्ट करती रहती है, कलेक्ट करती है, और फिर उन डेटा से, ऐसा नहीं डेटा रख के रखती है। देखो इंसान की अगर हम बात की जाए तो इंसान भी मशीन लर्निंग इंसान को देख के तो बनाई गई है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता कि यहाँ पे ये चूल्हा है, यहाँ पे ये चाय का जो कप है ये गर्म है, वो जाके हाथ लगा देगा। जहां उसने हाथ लगाया उसने एक डेटा कलेक्ट किया कि व्हेनेवर, जब भी धुएं इसमें से निकल रहा है, बच्चे को धुएं का भी इतना अंदाजा होता है, शुरू में कहता है कि इसमें से जब भी ये इस कप को मैं हाथ लगाता हूँ मेरा हाथ जलता है, ये उसके दिमाग में डेटा आ गया, उसने सीखा। अब आप जब नेक्स्ट डे उसको हाथ रखवाओगे ना, वो नहीं रखेगा। क्यों? ही लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट मिस्टेक, कि मेरे पास मुझे जब भी मैं इसको लगाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, मेरा हाथ जलेगा। इसी तरह इंसान भी जब होता है तो बैटिंग बॉलिंग कुछ भी अगर देख लो, कि यॉर्कर आती है तो यॉर्कर से कैसे शॉट मारना है, क्योंकि वो यॉर्कर पे एक दफा बोल्ड हो चुका था, तो उसको पता है कि जब भी यॉर्कर आएगी तो मुझे बैट को कैसे रखना। बॉलर को पता है कि मैं अगर बॉल ये करवाता हूँ या फुल टॉस देखता हूँ, तो जब भी मैं फुल टॉस देखता हूँ मुझे छक्का पड़ता है। तो उसने अपनी गलतियों से सीखा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी फुल टॉस फेंकूंगा मुझे छक्का पड़ने के चांसेस है, हर बार बड़े जरूरी नहीं है। अब मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने, मशीन लर्निंग के पहले हम चले बात कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग का अगर ओवरव्यू की बात करें तो मशीन लर्निंग को करने के लिए देयर आर स्टेजेस। पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आर देयर, डू यू हैव एनी आइडिया? तीन नो सर। तरह की होती है। एक होती है अनसुपरवाइज, एक होती है सुपरवाइज, एंड तीसरी होती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तीन तरह की मशीन लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज, री इन्फोर्समेंट। इन तीनों को अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट पहले बात करते हैं कि मशीन लर्निंग के लिए, अब एक जो मेरी अपनी फील्ड है इसलिए इस चीज को थोड़ा सा लेके जा रहा था, कि आप मशीन लर्निंग के लिए आपको ये चीज बहुत जरूरी है, लाइक बिफोर मशीन लर्निंग आपने इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, डेटा एनालिसिस। क्योंकि सारे का सारा, अभी मैंने आपसे कहा कि मशीन लर्निंग को चाहिए क्या, डेटा। तो डेटा को एनालाइज करना या डेटा एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट मशीन लर्निंग। और डेटा एनालिसिस की जो स्टेजेस है एक एक करके उनको डिस्कस करके फिर हम उनकी टाइप्स पे चलते हैं। तो आपके पास
आजकल आप सबको पता है कि हमें सोने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा डेटा हो चुका है। अब डेटा एनालिसिस होता क्या है? देखो, मशीन को काम करने के लिए डेटा चाहिए, और उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के, जो कि पुरानी है। ऐसा नहीं है कुछ नई चीज है, ये पुरानी है। इसमें हमें करते क्या है, हम बेसिकली अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स वगैरह जो बनाते हैं, ताकि जो आपका फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सके, चीजों को क्लासिफाई किया जा सके। आपने देखा होगा अक्सर AI वगैरह के वो चल रहे होते हैं कि वो डॉग कैट्स या इन सबको आइडेंटिफाई कर रहा होता है, चीजों को क्लासिफाई कर रहा होता है, या फिर आपकी जो भी कंपनीज वगैरह है उनको इन्फॉर्म डिसीशंस वगैरह की तरफ खुद से फ्यूचर्स प्रिडिक्ट वगैरह कर सकता है। तो डेटा एनालिसिस की पहली स्टेज आ जाती है आपके पास, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। क्या लग रहा है, नाम से क्या होता होगा ट्रांसफॉर्मिंग डेटा? सर डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। कैसे है, क्या मतलब ट्रांसफॉर्म, क्या मतलब, एक्सप्लेन तो करो। एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग टू डेटा, डेटा तो डेटा डिजिटल ही है ना, एनालॉग कैसे आ जाएगा डेटा? खैर, एनालॉग भी होता है, हमारे पास डेटा बहुत कचरे की फॉर्म में भी आ रहा होता है। तो हम, मैं नॉर्मल यही कहता हूँ कि डेटा एनालिस्ट जो होता है वो कचरा चुनने वाला होता है। देखो, आपने कचरा चुनने वाला देखा होगा, कचरा चुनने वाला क्या करता है, हर जमीन से सारा एक साथ जो भी होता है, कबाड़ से या जो भी, सारा कचरा चुनता है। कचरा चुनने के बाद वो चीजें क्या कहते हैं, उनको अलग करता है। पहले तो एक साथ डेटा पूरा वो किया, फिर उसको सॉर्ट करता है। सॉर्ट करने के बाद जो काम का है वो रखता है, जो फजूल होता है उसको फेंकता है। तो ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को, ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेटा क्लीन करते हैं, और फिर डेटा को हम डेटा मॉडलिंग की तरफ जाते हैं कि हमारा जो काम वगैरह का जो भी है। तो डेटा की एनालिसिस की स्टेज होती है कि ट्रांसफॉर्मिंग, क्लींजिंग, मॉडलिंग और ट्रेनिंग। तो ट्रांसफॉर्मिंग में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग देखो बिल्कुल सिंपल सा भी हो सकता है कि आपके पास डेटा आ रहा है। आप, अब मैं तुम लोग से अक्सर ये फॉर्म वगैरह फिल करवाता हूँ, मेरा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिल करो, ये सेशन स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिल करो। होता क्या है, आप लोग फॉर्म फिल करते हो, मेरे पास जो डेटा आता है वो रोज एंड कॉलम्स में आता है। तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करना एज सिंपल, इट कैन बी एज सिंपल एज यू कैन से डिवाइडिंग या ऑर्गेनाइजिंग आवर डेटा इंटू रोज एंड कॉलम्स। सही, तो ट्रांसफॉर्मिंग कैन बी, इट कैन बी एज सिंपल एज ऑर्गेनाइजिंग डेटा इंटू रोल्स एंड कॉलम्स। अब इसमें हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ सकता है, जैसे ईमेल हो गए, आपके वीडियोस हो गए, साउंड हो गए, इमेजेस हो गए, जिसको हम रोज एंड कॉलम्स में नहीं कर सकते, मतलब सिंपली नहीं ले जा सकते। यहाँ पे जैसे सपोज करो, यहाँ पर ये तुम्हें राइट साइड पे ऊपर मेरी बार नजर आ रही है जिसमें कलर पूरा वो आ रहा है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, पीच, ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ग्रे आ रहे कलर्स। अब जी सर, ये कलर्स हैं, इन कलर्स को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कलर्स की जगह मैंने इनको नंबर्स दे दिए। सपोज मैंने कहा रेड 1 है, ब्लू 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बार बार कलर्स की जगह मैंने 1 से 10 दे दिया, नंबर्स ऑटोमेटिकली आ गए। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कुछ टेक्स्ट वैल्यूज को न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कन्वर्ट कर देता है। सर ये आरएलई मेथड जैसे हम लोग करते थे ना, नहीं उस नहीं तरीके नहीं से। नहीं 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 आरएलई तो देखो, आरएलई वॉज अ कंप्रेशन टेक्निक, वो डिफरेंट है। यहाँ हम अपने डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम उसको नोट अच्छे से कर सकें। टेक्स्ट वैल्यू ज्यादा खतरनाक हो जाती है, याद रखना, गलतियों के चांसेस बहुत सारे मसले टेक्स्ट वैल्यू में। तो हम न्यूमेरिक, कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर को न्यूमेरिक प्रोसेस करवाना ज्यादा आसान होता है टेक्स्ट के मुकाबले। तो हम अपने टेक्स्ट वैल्यूज को कोशिश करते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके न्यूमेरिक वैल्यूज में डालने।
तो ये ट्रांसफॉर्म करता है अपने डेटा को अपने एज पर यूज या एज पर ईज के साथ, जितना आसान हो सके। फिर आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग आप क्लींजिंग पे आ जाते हो। क्लींजिंग को हम कहते हैं डेटा स्क्रबिंग एज पर। क्लींजिंग में क्या होता है, अब कुछ जगहों पे डेटा इनकम्प्लीट भी हो सकता है। सपोज करो मैंने फॉर्म में फिल किया था, अब मैंने जो फॉर्म फिल अभी करवाया सबसे, उसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन सपोज करो मैंने एज का ऑप्शन दे दिया होता, पर हर कोई एज बताना नहीं चाहता था मुझे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एज नहीं बताई। तो जब वो हो सकता है कि मेरे पास 1000 रिकॉर्ड आए थे, बहुत कम ही है डेटा के लिए, 1000 रिकॉर्ड्स में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने अपनी एज बताई है, बाकी 998 स्टूडेंट्स ने अपनी एज नहीं बताई। या फिर जिन्होंने बताई है तो उन्होंने जानबूझ के तफरीहों के अंदर गलत लिख दी थी, किसी ने 2 साल लिख दी है, किसी ने 3 साल लिख दी है, किसी ने 100 साल लिख दी है, किसी ने -5 लिख दी है। तो डेटा क्लींजिंग में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को अच्छा साफ सुथरा करके रखते हैं कि आपने कौन सी डेटा की वैल्यूज को इंक्लूड करवाना है आगे मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग के लिए, और कौन सी वैल्यूज या कौन से कॉलम्स को रिमूव करवा देना है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं डेटा कैन बी इनकम्प्लीट, इनवैलिड और मे कंटेन एक्सट्रीम वैल्यू, सो वी डिसाइड विच डेटा we want to exclude। समझ आया? अब जैसे सपोज करो कचरा चुनने वाला, वो बहुत सारी चीजें उठा के ले जाता है, या उसने पूरी पूरी डस्टबिन उठा के ले गया, अब उसमें से हर चीज काम की थोड़ी है, तो जो काम कर रही है निकाल दो, ये चीज क्लियर है। जी सर। फिर आपके पास आ जाती है डेटा मॉडलिंग। अब यहाँ पे आपके वो एल्गोरिथम्स वगैरह कह सकते हो, सॉरी एल्गोरिथम्स नहीं, आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल, जो भी आपके पास टेक्निक यूज की जा सकती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिग्रेशन, रिग्रेशन को आगे मैं बताऊंगा, तभी से नाम याद आया तो बता दिया कि रिग्रेशन आ गया, कि आप अब चेक करते हो कि आपका जो डेटा है उनके बीच में कोई रिलेशन वगैरह, सॉरी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन वगैरह है या नहीं है। ये चीज़ें जो अभी बोल रहा हूँ शायद सर के ऊपर से जा रही हो, लेकिन अभी मैं रिग्रेशन बताऊंगा तो समझ आ जाएगी। तो डेटा मॉडलिंग, अब डेटा मॉडलिंग में क्या होता है कि आपकी जो स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल जो टेक्निक होती हैं वो यूज की जाती है। यहाँ पे कैलकुलस वगैरह और सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल जो भी एस वन एस टू में आपने पढ़े होंगे ना, वो सारे यहाँ पे यूज किए जाते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज। और फिर आपके पास चौथी स्टेज आ जाती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या चीज, मतलब ट्रेनिंग से क्या मतलब है, नो आइडिया। कुछ भी नहीं आएगी बेसिकली। अब देखो ट्रेनिंग के लिए अगर बात की जाए तो आप अपने, वैसे तो खैर ट्रेनिंग कहते हैं मशीन लर्निंग का फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है, करते क्या हो आप, यहाँ पे आपको आउटपुट पता होता है, आप इनपुट को देख के, मतलब देखो आप सीन क्या है, मेरे पास मुझे मेरा आउटपुट पहले से पता है, नोन पे काम होता है, मुझे नोन आउटपुट पे
मैं डिफरेंट इनपुट देता हूं और उन इनपुट के बीच में क्या प्रोसेसिंग होगी कि मेरे पास ये आउटपुट है। बेसिकली मुझे ये अननोन होता है मेरे लिए। तो आप मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग क्या करवाते हो? आपको ये नोन है, ये आपके पास नोन आ रहा है, सही है? मैं क्या चीजें इन इनपुट्स की क्या खिचड़ी बनाऊं, इनके ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई करूं, क्या प्रोसेसिंग अप्लाई करूं कि मेरे पास ये आउटपुट आ जाए। मशीन लर्निंग में इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड मशीन लर्निंग, क्या फर्क है बेटा? सर, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है, और मशीन लर्निंग अप्रोच, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग या सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपने बताया, ट्रांसफॉर्मिंग, प्लानिंग, क्लेंसिंग, वो डेटा तो मॉडलिंग, है ट्रेनिंग। नहीं बेटा, मेन फर्क देखो, दूसरे भी आप ये सब चीजें कह सकते हो, कर सकते हो। सबसे मेजर फर्क ये होता है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जो आपको एल्गोरिथम होता है ना, एल्गोरिथम या जो फंक्शन होता है वो आपको पता होता है कि आपने क्या लगाना है। ये नोन होता है, सही? इसके अलावा आपको जो यूजर इनपुट्स देता है वो भी नोन होता है। मतलब सॉरी, ये कह सकते हैं कि सपोज करो एडिशन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि दो इनपुट्स को एडिशन देंगे आउटपुट हमें क्या मिलेगा। अब वो आप डिफरेंट नंबर्स देते हो पर आउटपुट चेक कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो द यूजर विल गेट इनपुट्स टू दी नोन एल्गोरिथम, ताकि आपके पास एक अननोन आउटपुट जनरेट किया जा सके। प्रोसेस आउटपुट देता है ना, आपको ये वाली चीज पता है कौन सी? ये वाली। जबकि मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होगा। मशीन लर्निंग में आपके पास यही चीज अननोन होती है, इसी को तो ढूंढते हैं हम, क्या यूज करके, ये और ये यूज करके हम ये ढूंढते हैं। तो हम यहां भी ये लिख सकते हैं अलवा, हम नहीं ढूंढते, बेसिकली मशीन को बोलते हैं ढूंढे खुद ही, उसको काम देता है टू डू द कंप्यूटेशन इज अननोन। करना क्या है यही नहीं पता हमें, कैसे करना है, क्या करना है नहीं पता। मुझे पता है ये इनपुट है और ये आउटपुट आना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? मशीन। ये मशीन लर्निंग का डिफरेंस है। कुछ थोड़ी अकल में आया? तो थोड़ा थोड़ा बेसिकली करते क्या है, हम यहाँ पर आपका नोन होता है, हम यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट या सेट ऑफ डेटा कहते हैं। तो कह सकते हैं कि सप्लायर सेवरल डेटा सेट्स टू डिड्यूस, बल्कि कह सकते हैं कि सप्लाई सेवरल डेटा सेट्स टू अराइव
एट दी फंक्शन दैट प्रोड्यूस द आंसर। मतलब आपको देखो, आपको आपका आंसर पता है, आप अपने इनपुट देते हो और कंप्यूटर से कहते हो ये फाइंड आउट करके दो, क्योंकि आपके पास बेसिकली यही तो अननोन है, यहाँ पे ये नोन था। मशीन लर्निंग क्या करती है, फंक्शन ढूंढती है। अच्छा, मशीन लर्निंग को एमएल भी कहते हैं, तो मैं एमएल कहूंगा तो समझ जाना। डीप लर्निंग इज डीएल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एआई, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। डीएस इज डेटा साइंस। तो एमएल विल डिड्यूस फंक्शन, ये कह सकते हो कि ट्रेनिंग का पार्ट भी आ जाता है आपका। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन ए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, जब नॉर्मली एएस में नॉर्म करते आए या उप वगैरह में करते हुए आए, P4 में जब करते हैं, मशीन लर्निंग में ये होता है। मशीन लर्निंग में आपको पता नहीं होता करना क्या है, क्या क्या करना है, ये कौन पता लगाएगा, मशीन कैसे पता लगाएगा। आपने हाँ ये जरूर ये याद रखना कि कैसे लगाएगा, ये यूज करते हुए डेटा मॉडलिंग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप देते हो कि ये यूज कर सक करनी है आपने, और फिर उसके बीच में वेट्स वगैरह को खेल के ये काम करता है। तो ये डेटा एनालिसिस की स्टेज, अब डेटा एनालाइज कर लिया तो काम हो गया, सारा का सारा काम शुरू शुरुआत इसी की है। अब ये मॉडल्स वगैरह जो बनाते हैं ना, ये मॉडल बनाने का काम होता है डेटा साइंटिस्ट का, कि कौन सा मॉडल किसके लिए बेस्ट है। अब आ जाते हैं हम इन टाइप्स पे, जिसमें मैं सबसे पहले टाइप जो यूज कर रहा हूँ दैट विल बी अ सुपरवाइज लर्निंग। नाम से क्या लग रहा है, ये किसी की सुपरविजन में चलती है, किसके सुपरविजन में चलेंगे? मशीन नहीं, मशीन तो चल रही है, किसके सुपरविजन में चलेगी? सर, हमारे सुपरविजन में चलेगी। जो यूजर है या जो भी प्रोग्रामर है। देखो इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए, तो जैसे तुम हो, अभी तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, सही है, तुम्हारे लिए नया है ना, किसके सुपरविजन में सीख रहे हो? सर आपके मेरी सुपरविजन में। मैं तुम्हें बेसिकली एग्जाम्पल्स दे दे के समझा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल्स क्या है, मेरा ट्रेनिंग डेटा है, तुम्हारे लिए ट्रेनिंग डेटा हो गया ये। फिर इससे तुम क्या कर सकते हो, जो एग्जाम्पल्स हैं इससे तुम कुछ ना कुछ रूल्स वगैरह या कुछ ना कुछ पिक करोगे, और वही उन एग्जाम्पल्स को तुम यूज करते हुए जो आगे तुम्हें कोई पेपर वगैरह जो आएगा, तुम उस पर आउटपुट अपना करोगे जो मैंने तुम्हें सिखाया, और उसको जो तुम आउटपुट करते हो पेपर वगैरह, उसको मैं चेक करता हूँ कि जो तुम्हारा आउटपुट है वो सही है या नहीं है। अगर गलत होता है तो उसमें पे कुछ ना कुछ चेंजेस जो तुम लोग की होती हैं, चेंजेस मतलब उसमें और तुम लोग को सिखाया जाता है। तो बेसिकली सुपरवाइज, ये सुपरवाइज लर्निंग ही होती है। सुपरवाइज लर्निंग में आप इनपुट देते हो और आपका आउटपुट इनपुट पर डिपेंडेंट होता है। फिर आपकी जो मशीन लर्निंग होती है वो फंक्शन प्रिडिक्ट करती है कि क्या फंक्शन वो सर्टेन आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकता है जो आपने इनपुट दिया है। ये सुपरवाइज इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे आपके इनपुट नोन होते हैं और आउटपुट नोन होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम ये कह सकते हैं इट हैज सेट ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा, इंडिपेंडेंट इनपुट कह लो, इंडिपेंडेंट लेबल इनपुट वेरिएबल सच एज ए बी या सी, फिलहाल ले लेते हैं, और जो आपका आउटपुट वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट हो, एंड आउटपुट या डिपेंडेंट आउटपुट एंड डिपेंडेंट आउटपुट
एंड अ डिपेंडेंट आउटपुट वेरिएबल इसको फिलहाल एक्स रख लेता है। सही है। अब होता क्या है, मशीन लर्निंग का काम क्या होता है कि टास्क ऑफ मशीन लर्निंग इज टू डिड्यूस दी एल्गोरिथम ये एल्गोरिथम के लिए आती है दैट कुड प्रेडिक्ट एन आउटपुट दैट कुड प्रेडिक्ट एन आउटपुट एक्स फ्रॉम गिवन सेट ऑफ डेटा। आप जो डेटा दे रहे हो उससे ये आउटपुट आना चाहिए, ये आउटपुट कैसे लाना है ये किसका काम है, मशीन लर्निंग का। जिस तरह मैंने तुम लोगों को इनपुट दे दिया, मुझे आउटपुट पता है, फिर तुम लोगों को बाद में मैं टेस्ट करवाऊंगा, ट्रेनिंग पहले अब ये हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, लर्निंग कर रहे हो। इसमें क्या एग्जांपल आ सकती है, अब जैसे कि दरवाजे की एग्जांपल ले लूंगा, मैंने मशीन लर्निंग को बताया कि ये, अब तुम लोगों को सिंपली बताया कि देखो ये दरवाजा ऐसा होता है, दरवाजे वुडन का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, दरवाजे की पहचान ऐसी है, तुम लोगों को समझा दिया। कैसे समझाया, अलग अलग तस्वीरें दिखा के, विच इज योर बेसिकली इनपुट, अलग हाँ दरवाजों के साइजेस भी डिफरेंट हो सकते हैं, वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा छोटा होता है साइज विद में, हाइट सेम होती है, जो घर का मेन एंट्रेंस डोर होता है वो काफी बड़ा होता है, डबल गेट जिसमें कार गैराज का डोर अलग होता है, मॉल्स वगैरह के डोर अलग होते हैं, ग्लास का भी हो सकता है, ये सारी चीजें तुम लोगों को पिक्चर्स दे दे के सिखा दी। उसमें क्या 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 चीज की जाएगी, तुम लोग से चेक करवाया जाएगा एक एक अलग से। अब तुम लोग को पहले मैंने बताया कि ये दरवाजा है, ये दरवाजे हैं, अब ये ट्रेनिंग हो गई, अब उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स दिखा के पूछा जाएगा क्या ये दरवाजा है, तुमने कहा हाँ है या नहीं है या नहीं है। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है, तुम्हें मैं विंडोज वगैरह टाइप की भी पिक्चर दिखाऊं जो दरवाजे से मिलती जुलती है या स्ट्रक्चर सेम है, ताकि तुम उसमें से डिसाइड कर सको कि कौन सी जो तुम्हारे दिमाग में फील हुआ है दरवाजे का वो उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही, तो ये सुपरवाइज में चले जाता है। सुपरवाइज लर्निंग दो तरह की हो सकती है, या दो तरह की नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, दो तरह के प्रॉब्लम के लिए यूज की जा सकती है, कैन बी यूज फॉर बोथ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर वन विच इज रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम। तो रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम्स का मतलब कुछ अंदाजा है, नहीं सर, यहाँ पे बेसिकली रिग्रेशन जो टाइप होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, बता देता हूँ, टारगेट बल्कि इसको सिंपल दे देता हूँ, प्रेडिक्ट क्वांटिटेटिव 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 का मतलब क्या होता है, इधर नाम से लग रहा है नाम क्वांटी से क्वांटिटी 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 शायद क्वांटी क्वांटिटी क्वांटिटी से क्या निकलेगा, सच क्वांटी एज क्वांटिटी सही कह रहे हो, सच एज नंबर ऑफ आइटम, किसी चीज को काउंट करने के काम आ सकता है ये, किसमें सुपरवाइज नंबर ऑफ सुपरवाइज
नंबर ऑफ आइटम्स, अब कहीं पे भी आइटम्स हो सकते हैं। क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है, उसने बच्चों के सर काउंट किया, वो बच्चों उसको पता है कि बच्चों के सर कैसे नजर आते हैं, जिसमें अगर कोई बिल्ली या कुत्ता साथ होगा तो वो उसको ऐसा काउंट, ह्यूमन काउंट नहीं करेगा या स्टूडेंट काउंट नहीं करेगा, तो ये रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम्स में आ जाता है। या फिर सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम, नाउ क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यहां पे आप क्वालिटेटिव वैल्यू पर डाउट करते हो। क्वालिटेटिव वैल्यू, क्वालिटेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सपोज करो टू आइडेंटिफाई माई पोटेंशियल क्लाइंट या पोटेंशियल कस्टमर, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स थे जिसमें से मेरा मुझे ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे किस कस्टमर को अपने मार्केटिंग ईमेल्स कंटिन्यू रखना है भेजना। बहुत सारे कस्टमर्स थे, बहुत सारे क्लाइंट्स थे, लेकिन किसी एक को टारगेट रखा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बंदा मेरा पोटेंशियल कस्टमर आगे भी रहेगा। तो ये जो प्रेडिक्ट क्वालिटेटिव वैल्यू कि आपने क्वालिटी उसमें से, क्योंकि उस कस्टमर की क्वालिटी आपने पहचाननी है, ये परचेज करेगा इसके पास परचेजिंग पावर है, तो ये भी क्लासिफिकेशन में आ गया ना। क्लियर है? जी सर, इसी तरह आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग आ जाती है। इसमें क्या होगा, सर ये किसी अनसुपरवाइज्ड के है। सुपरविजन में नहीं होगी। हाँ तो इसके मतलब ये तो चलो नाम से तुम बता दिया, इसमें बेसिकली आपके पास इनपुट तो होता है, आउटपुट नहीं होता। अनसुपरवाइज्ड ये होगी ना कि आपको रिजल्ट्स नहीं पता, आपके पास इनपुट्स पता है, और अब तो सर आपको फिर इसका उसको फायदा क्या? आता है ना, तो जैसे बेसिकली मेरा जो इनपुट आ रहा है कि उसके उनके बीच में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, या जो मेरा डेटा सेट आ रहा है उनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह का डेटा सेट मेरा इनपुट हो रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग काम आती है। जैसे कि इसमें दो तरह की होती है, एक होती है क्लस्टरिंग और एक होती है एसोसिएशन। अब क्लस्टरिंग का तू मैं थोड़ा समझाता हूँ, तो तुम्हें एसोसिएशन तो खुद ही समझ आ जाएगा, और ये खुद ही तुम्हें अभी समझ आएगा, तुमने ये देखी ये चीज है। अब तुम्हें सिर्फ पढ़ने में तुम्हें पहली दफा पता चला है, अच्छा इसका ये नाम होता है। क्लस्टरिंग के अंदर अगर हम ले लेते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा, सपोज मैंने बहुत बड़ा डेटा उठाया, किसका, इंटरनेट यूजर्स का उठा लिया, और उसमें से मैंने उन डेटा में से देखा कि मेरा जो डेटा है उसमें दो कैटेगरीज बहुत ज्यादा है इंटरनेट यूजर्स की, एक जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन परचेजेस करता है और दूसरा जो इंटरनेट यूज करते हैं वो सिर्फ रिसर्च के काम के लिए यूज करता है, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चला। तो मेरे पास इनपुट है, आउटपुट मुझे पता था नहीं, मैंने इनपुट से देखा कि मेरे पास बहुत सारे इनपुट्स थे जो दराज, अमेजोन और ईबे को यूज कर रहे थे, ये क्लस्टर एक एक क्लस्टर आ गया। दूसरा क्लस्टर था जो बेसिकली रेडिट या फिर आपका कैसे कह सकते हैं जो रिसर्च की वेबसाइट्स होती हैं, रिसर्च पेपर्स वाली, नासा या चैट जीपीटी, ये यूज कर रहे थे। तो मुझे मेरा आउटपुट नहीं पता था, मेरा इनपुट से क्लस्टरिंग की, या फिर एसोसिएशन भी आ सकती है कि दराज पे आपने अक्सर अमेजोन पे देखा होगा जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके नीचे वो कहता है कि दोज हु व्यू दिस प्रोडक्ट ऑल्सो लाइक या परचेज दिस, देखा है ये ऑप्शन, जी सर, ये ऑप्शन क्या है, ये एसोसिएशन है ना, कि जिस जिस यूजर ने, आप सपोज करो मैं मोबाइल ले रहा हूं ऑनलाइन,
मैंने मोबाइल में जैसे ही सपोज करो iPhone 15 Pro Max परचेज किया, तो उसने नीचे मुझे दिखा दिया कस्टमर्स हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस 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 दिस। उसमें क्या आ गया, iPhone 15 Pro Max का कवर भी आ गया और उसके साथ साथ चार्जर आ गया, चार्जर की केबल आ गई और प्रोटेक्टर आ गया। क्योंकि मुझसे पहले जिन जिन बंदों ने ये खरीदा था उन्होंने ये भी खरीदा था, तो उसने ये एसोसिएशन बना दी कि जब भी कोई ये प्रोडक्ट खरीदता है इनपुट ये होता है, तो उसके साथ ये भी इनपुट आता है। तो ये अगेन क्या है, आपको आउटपुट तो नहीं पता था ना, लेकिन उसने खुद जज किया कि जब भी ये इनपुट ये वाला होगा तो उसके साथ 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 ये भी इनपुट होंगे। तो ये इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके पास नोन आउटपुट नहीं होता, सिर्फ नोन इनपुट्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं देयर इज द ओनली अब क्लियर हुआ ये मेजर जी सर, सेट ऑफ अब दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में जी मेन सारा का सारा खेल सिर्फ आउटपुट पे ही है। ये मेजर डिफरेंस है बट नो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। सो बेसिकली यहाँ पे आपका मशीन लर्निंग का काम क्या होता है, ये रिलेशन या अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो भी कुछ है ना उसके बीच में कुछ चीज आइडेंटिफाई करना। तो हम ये कह सकते हैं कि टास्क फॉर एन अनसुपरवाइज लर्निंग इज टू आइडेंटिफाई एन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। यहां दो कैटेगरीज में आती है, इट फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। अभी दोनों कैटेगरीज का मैंने आपके सामने जिक्र भी कर दिया। पहली कैटेगरी क्या है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होता है, ग्रुपिंग की जाती है। डेटा इज शोन टू हैव ग्रुपिंग जिस तरह मेरे पास अगर मैं स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूँ तो मेरे पास तीन तरह की कैटेगरी बनेगी, एक कॉमर्स का होगा, एक आपका क्या कहते हैं सोशल साइंसेस का होगा और एक साइंस का होगा। साइंस के अंदर भी दो कैटेगरीज बननी होंगी, कुछ प्री इंजीनियरिंग वाले हैं कुछ मेडिकल वाले हैं। ये मेरा कैसा डेटा का एनालाइज करके पता चला। और दूसरी आपके पास आ जाती है एसोसिएशन, आप एसोसिएट करते हो कि अगर ये है तो यहां से ये होगा। डिस्कवर एसोसिएशन में क्या करता है, डिस्कवर्स द एसोसिएशन बिटवीन दी क्लाइंट या इनपुट ले। क्या ये चीज क्लियर है, जी सर। अब री इन्फोर्समेंट लर्निंग का आ आखिरी जो है हमारी
रीइंफोर्समेंट हमने अक्सर शायद देखी भी होगी, यूट्यूब में भी अक्सर ये आती है। रीइंफोर्समेंट पे हम बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट में ट्रायल एंड एरर वाला सीन होता है। इंसान क्या करता है, ट्राई करता है, अगर कोई एरर होता है तो उन एरर्स को ठीक करता है ताकि उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट बेटर हो। सेम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अ नंबर ऑफ सिचुएशंस आर प्रेजेंटेड एंड ईच वन, यहाँ पर पेनल्टी एंड रिवॉर्ड वाला सीन होता है। सम फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं विच विल इफेक्टिवली गेट अ पेनल्टी और रिवॉर्ड। YouTube की एग्जाम्पल मेरे दिमाग में से आते हैं, आपने देखा होगा अक्सर YouTube पर मैं हमारे नोटिफिकेशन बार पर सजेशन देता है अगर आपने YouTube की नोटिफिकेशन ऑन की हुई है। तो अगर वो आपसे सजेशन देता है, आपने रिमूव किया उस जैसे ही उसको नोटिफिकेशन को क्लियर करने गया, तो वो आपसे बताता है कि आप उसकी जो सजेशन दी वीडियो से उससे कितने हैप्पी हैं कितने सैड हो, स्माइली फेसेस आते हैं 5, 1 10 5। आप सपोज करो 1 लोएस्ट स्कोर है, 5 मैक्सिमम स्कोर है, आपने 5 किया तो उसने अपने पर एल्गोरिथम में ये नोट कर लिया कि आपको इस जो उसने वीडियो शो की थी उस कैटेगरी की वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है, उसने नोट कर लिया, रिवॉर्ड मिला उसको। आपने 1 किया, 1 का मतलब उसने उसको पेनल्टी के तौर पे लेगा कि आपको इस तरह की वीडियो नहीं पसंद, अब आइंदा आने जब भी आएगा तो वो आपको वो वाली वीडियो उस कैटेगरी की वीडियो शो नहीं करेगा बिकॉज इट नोज कि आपने उसको पेनल्टी दी थी कि आपने वो वीडियो पसंद नहीं की। सो वी कैन सिंपली राइट दिस रिवॉर्ड और पेनल्टी गेम विल देन इन्फ्लुएंस द जनरेशन ऑफ द एल्गोरिथम। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर, जैसे कि इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, इसके एक डायग्राम के थ्रू अगर समझाऊं तो मेरे पास ये एजेंट है, किसका? रीइंफोर्समेंट का, और ये एनवायरनमेंट पर अफेक्ट हो रहा है। एजेंट है, बल्कि गेम के थ्रू ले लेते हैं। आपने वो गेम खेला है? कुछ इस तरह का गेम होता है, कैसे बनाऊं, हो गया ये बॉल होती है, इसको बॉल को आपने गोल मिस नहीं होने देना होता है, और सामने आपके कंप्यूटर होता है, ये नहीं पता इसको क्या कहते हैं। खेला ये गेम? शायद खेला हूँ। कुछ भी नहीं होता, आपने बेसिकली आइस एयर हॉकी जो टाइप होती है, आपने अगर कहीं मॉल वगैरह में जाके खेली हो तो यहाँ पे ये, अगर मोबाइल में खेला हो आपने तो आपने फिंगर जस्ट ये रखनी है,
ये बॉल आया आपसे, टच हुई फिर बाउंस हुई, और यहाँ पे कंप्यूटर उसको मिस होने नहीं देता। अच्छा समझ आ गई सर, थोड़ी थोड़ी समझ में समझ आ आ गई गई? मुझे। तो ये इस तरह की गेम में, अब देखो ये आप हो और ये मेरा कंप्यूटर है। जब जब कंप्यूटर ने इस बॉल को मिस किया तो आपने नेगेटिव रिवॉर्ड मिला, मतलब कब, जब बॉल, और जब जब उसने हिट किया तो उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला। आपको सीख रहा है, एल्गोरिथम अपना बना रहा है कि मुझे इस बॉल को मिस नहीं करने देना। बॉल की अगर डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो मुझे उसको यहाँ रखना है, बॉल डायरेक्शन ऐसा है तो उसको मुझे यहाँ रखना है। जितना आप खेलते जाओगे ये उतना वो क्या कहते हैं, जितना ही एक्शन लेता रहेगा एनवायरमेंट पे, उससे इसको रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा और रिवॉर्ड से उसकी स्टेट चेंज होती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा एक्शन आ जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा, और उस रिवॉर्ड से हमारा स्टेट में भी चेंज आएगा। ये एक डायग्राम बना सकते हैं कि एजेंट है वो एक्शन लेता है एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट से उसको रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड और स्टेट दोनों में फर्क, रिवॉर्ड से आपकी स्टेट में भी फर्क पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। इज इट क्लियर? जी सर, अब मशीन लर्निंग के अंदर मैं ये यहाँ पे लाके क्लास को एंड करूंगा, ज्यादा पढ़ाना फायदा नहीं है, सर के ऊपर से जाएगा। देखो मेरी फील्ड है, मैंने पढ़ा पढ़ा के वो फील्ड है, मेरी एआई मेरी फील्ड है, एआई से ज्यादा डेटा एनालिसिस है, तो मशीन लर्निंग के मॉडल वगैरह पे बहुत काम किया हुआ है। सो मुझे लाइक फील ये होता है कि ये ज्यादा पढ़ने से ओवरफ्लो हो जाता है। बोलो तो ये जो जितना पढ़ा है ये सब फालतू है। नहीं 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 कुछ भी फालतू नहीं है, ये अभी देखो मशीन लर्निंग के समय हमें टूल्स पढ़ना है, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ना है, ग्राफ्स तो खैर अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ना डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। डीप लर्निंग के बाद हमें एआई के अंदर जो एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, विच इज डिजिक्स्ट्रा और ए स्टेरिक, तो उसका मेथड और उसकी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का ड्राई रनिंग ज्यादा आता है सॉल्व करने को, लिखने को तो आज तक ही आए ना, उसको लिखने को देना है आपने, आपको आपने उसको सिर्फ ड्राई रनिंग आनी चाहिए कि उसको टेबल ट्रेस टेबल में कैसे सॉल्व सर करते एक हो। मिनट, वो नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं डेटा पे स्विच करता हूँ। ओके ओके सो मशीन लर्निंग के टूल्स के नाम बता के मैं क्लास एंड करूंगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जो रखेंगे उसमें मशीन लर्निंग के टूल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके क्या कहते हैं ए स्टैटिक और डिजिक्स का एल्गोरिथम जो एआई के पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मशीन लर्निंग के टूल्स जो हमारे पास आ जाते हैं उसमें पहला तो रिग्रेशन एनालिसिस आ जाता है जो हमें पढ़ना है। रिग्रेशन एनालिसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर रिग्रेशन और दूसरा होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दोनों मजेदार है। आप लोग का जो प्रिडिक्टेड गेट्स वगैरह जो आते थे वो लीनियर रिग्रेशन से आते थे। फिर आपके पास आ जाते हैं टूल्स के ना दूसरा ग्राफ, और फिर तीसरा आपके पास आ जाता है ए एन एन विच इज आर्टिफिशियल
न्यूरल नेटवर्क, इसको हम ANN भी कहते हैं। इसके अंदर दो आपके पास और कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होती है बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, और दूसरा आपके पास आ जाता है डीप लर्निंग। ये सारे क्या है, मशीन लर्निंग के टूल्स हैं जो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेरीज बेटा आज की क्लास का? नो सर, फिलहाल तो नहीं है। बस आज की क्लास में यहीं टाइम करते हैं।